बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन आप जानते हैं यूएस के फॉरेन प्रेसिडेंट। 2004 में उनको चार बाईपास सर्जरी हुए, 2005 में लंग सर्जरी हुआ, 2010 में दो एंजियोप्लास्टी हुआ, मतलब सर्जरी पे सर्जरी, सर्जरी पे सर्जरी, वो बीमार पे बीमार पड़ते गए। 2010 में उनकी हालत ऐसी हो गई, अगर आप उनकी 2010 की कोई फोटो देखेंगे तो बहुत मोटे और बहुत ही बुद्धू से दिखेंगे, क्योंकि जब भी किसी की सर्जरी होती तो ब्रेन के सेल और डैमेज हो जाते हैं, तो वो बुद्धू दिखने लगता है, उसको सोचने की समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो 2010 तक वो बहुत कमज़ोर हो गए, दिखने में मोटे हो गए, दिमाग से बुद्धू हो गए, और उनका इलाज चल रहा था, लग रहा था अब ये जियेंगे नहीं। 2010 में उनको इस तरह का, जो डाइट मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में पता चला कि इस तरह के खाने खाने से लोग ठीक हो जाते हैं, हार्ट का पेशेंट ठीक हो जाता है। तो बिल क्लिंटन ने सोचा मैं भी इस डाइट को अपना के देखता हूँ यूं ही। जैसे वो इस डाइट पे आए, उनको ताज्जुब हो गया कि कुछ ही दिनों में उनकी हार्ट की बीमारी गायब हो गई। मैंने टेस्टिमनी सुनी है उनकी, सुनी आपने? बिल क्लिंटन की गवाही मैंने सुनी है, पूरी नहीं सुनी, पर मैंने ऐसा कुछ सुना है कि जब उन्होंने कुछ डाइट चेंज किया उसमें हाँ। शायद वो मीट नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते, दूध नहीं पीते, और सिर्फ फल सब्जियां, फल और सब्जी, और जो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, नहीं खाते, तो वो पतले भी हैं शायद, अब पतले हैं। 2010 में ऐसा शुरू किया उन्होंने, आज 2017 है, तब से लेके आज तक वो दोबारा बीमार नहीं पड़े, तब से लेके आज तक। और उनको मीडिया ने पूछा कि आपके नए हेल्थ का राज क्या है, उन्होंने जो राज खोला वो आपको मैं दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ऑडियो 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 ऑडियो, इसका ऑडियो बढ़ाओ। I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries, the truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey, I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up, the calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, whom you know out in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're helping. आपने अभी सुना बिल क्लिंटन जो बोला कि जैसे ही मैंने अपना डाइट चेंज किया, यानी कि दूध छोड़ दिया, मीट मीट खाना छोड़ दिया, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे आ गया, एकदम से मेरे हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई, मैं पतला हो गया। तो ये एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कुछ डॉक्टर्स के नाम लिए, उनमें से एक डॉक्टर है टी कोलिन कैम्बल, चीफ साइंटिस्ट ऑफ चाइना स्टडी, एक और डॉक्टर हैं कॉलवेल एजस्टीन, जिनके नाम उन्होंने लिए। मुझे मौका मिला उन सारे डॉक्टर्स से मिलने का, उनसे ट्रेनिंग लेने का, तो मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया, कॉलवेल एजस्टीन से, टी कोलिन कैम्बल से, जिनका पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। मैंने उनसे ये पूछा, एक बात पूछी, मान लो कोई हार्ट का मरीज है, ये उनके डॉक्टर हैं, हाँ, बिल क्लिंटन के, बिल क्लिंटन, ओके, जिनका नाम बिल क्लिंटन लिया, ओके, ही गेव क्रेडिट टू दीस पीपल, राइट, बिल क्लिंटन ने बोला कि इनकी वजह से मैं ठीक हूँ, राइट। तो इन डॉक्टर से मैंने ट्रेनिंग लिया कि अगर कोई हार्ट का मरीज है जिसको हार्ट अटैक आया है, तो और ये डाइट पे स्टार्ट करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे कि जिसके बाद उसका हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे दोबारा हार्ट अटैक ना आए, ब्रेन स्ट्रोक ना आए। उनका जवाब था, पहले दिन के पहले मील, पहली डाइट से ही वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और वो वाला इंसान हार्ट अटैक प्रूफ पहले दिन में ही बन जाएगा, पहले दिन में ही। ये कॉलवेल एजस्टीन का जवाब था कि जैसे ही इस डाइट पे कोई पेशेंट आता है तो उसको हार्ट अटैक जीवन में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, तो कई बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये कितने दिन तक करना पड़ेगा? इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि मान लो कोई गंदा है, पूरा कीचड़ उचड़ लगा है, तो बोले साफ होने के लिए क्या करना है, तो नहा लिया, अच्छी तरह से साफ हो गया। अब वो बोलेगा
साफ रहना तो क्या करना पड़ेगा? एक दिन अगर आप नहा लेंगे तो जीवन भर साफ रह सकते हैं भला? नहीं, नहीं रह सकते। अगर तो जीवन भर साफ रहना है तो एक ही तरीका है कि जीवन भर हर दिन नहाना पड़ेगा, जो कि आप करते हैं। ठीक इसी तरह से यहां भी सिर्फ एक दिन खाना खा लिया या एक महीना दो महीना, ठीक रहने के लिए, ठीक होने के लिए तो एक महीना काफी है, लेकिन ठीक होने के बाद ठीक रहना भी तो है। तो ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाना चाहिए। कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं जब अब पार्टी में जाऊंगा, पिकनिक में जाऊंगा, मैरिज शादी में जाऊंगा, तब मैं बोलूंगा लोगों को ये प्लेट वन लूंगा, फिर प्लेट टू लूंगा, लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, ये सोचेंगे ये क्या आदमी है। हफ्ते में एक दिन चीटिंग डाइट, एक दिन फ्लेक्सिबिलिटी है। पूरे हफ्ते अगर ठीक से आपने ये खाया, एक दिन आप चाहे तो उल्टा सीधा भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अलाउ हो गया, राइट। सो हफ्ते में एक दिन, क्योंकि आप पार्टी जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, शादी में जाते हैं, रोज थोड़ा ना जाते हैं, हफ्ते दस दिन में कभी एक दिन जाते हैं। तो जब तब चले गए तो तब कुछ भी खा लिया जो आपको मिल गया, अगर आपको खाने का मन कर ही रहा है वो सब, लेकिन बाकी जब घर पे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि इस तरह के डाइट पे ही रहना है। सो अब ये सवाल एक आता है साइंटिफिकली, जब इस डाइट पे कोई रहेगा तो वो बॉडी ठीक कैसे करती है? इसका जवाब मैं आपको अगले स्लाइड में दे रहा हूं, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, कि ये डाइट क्या करता है। ये डाइट एक ही काम करता है, जब ये डाइट आप लेंगे तो ये आपके बॉडी में एक केमिकल की मात्रा बहुत बढ़ा देता है, उसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है? अब देखिए यहां पे ये आपका जो लाल कलर है वो आपका ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल मतलब वो नाड़ियां हैं जहां से ब्लड फ्लो करता है, खून बहता है, और कई बार कुछ लोगों के केस में वो कहीं कहीं अटक जाता है, वो ब्लड में वेसल में कहीं पे गांठ लग जाती है या क्लॉटिंग हो जाता है या वहां पे कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, उस केस पे ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता। अब आप देख रहे हैं एक नीले रंग की पाइप देख रहे हैं, ये नीले रंग की पाइप को मेडिकल भाषा में बोलते हैं कोलेट्रल आर्टरीज। इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूं, जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं, तो चार पहिए के अलावा एक और पहिया होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी, स्टेपनी पांचवा पहिया। और पांचवा पहिया उस वक्त कोई काम का नहीं होता, लेकिन किसी दिन अगर पंचर हो गया कार तब आपको पांचवें पहिए की याद आती है, और आपकी गाड़ी चलती रहे, आपका जर्नी पूरा हो, इसीलिए जो कार का मैन्युफैक्चरर है उसने एक पांचवा पहिया भी डाल दिया कि किसी दिन अगर पंचर हो गया चार में से कोई पहिया तो आप उसको बदल देंगे पांचवें पहिए से, और आपके जीवन की वो कार चलती रहेगी। ठीक उसी तरह से जब आप और हम पैदा हुए तो गॉड ने हमारे अंदर भी वो स्टेपनी बना दिया। वो स्टेपनी भगवान ने जो बनाया वो दिखने में क्या है, ये नीले रंग का जो पाइप देख रहे हैं वो स्टेपनी के बराबर है। अगर आप अंदर झांकेंगे लेंस लेके, माइक्रोस्कोप लेके, आपके बॉडी में हजारों लाखों बहुत ही छोटे छोटे इस तरह के ब्लड वेसल्स हैं जो कि काम नहीं करते, वो स्टेपनी की तरफ पड़े रहते हैं। लेकिन किसी का अगर ब्लड में, ब्लड वेसल में कभी ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट अटैक से बचाने के लिए वो जो स्टेपनी है, वो जो ब्लड वेसल है वो खुल जाता है, और वो इंसान को हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, और उसकी लाइफ ठीक से चलती रहेगी। अब यहां पे एक सवाल आता है, अगर ये स्टेपनी हम में से हर एक के बॉडी में ऑलरेडी बना हुआ है तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है, कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक क्यों आता है? जवाब ये है, इमेजिन कीजिए आपके कार रास्ते में पंचर हो गई, आपका स्टेपनी भी है, लेकिन स्टेपनी होना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर पहिए को बदलना है तो उसके साथ क्या चाहिए, कुछ औजार भी तो चाहिए, उस औजार के बिना वो स्टेपनी भी आपके लिए मीनिंगलेस है। ठीक उसी तरह ये जो नीले रंग का आप देख रहे हैं ब्लड वेसल, ये तभी काम करेगा जब इसको बॉडी कुछ औजार देगी, उस औजार का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, 1998 में मेडिकल साइंस ने पाया कि अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड भर जाए, ज्यादा मात्रा में बनने लगे, तो आपका वो जो नीले रंग की पाइप है वो खुल जाती है, और ऐसे लोगों को कभी जिंदगी में हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकता। तो ये खाना क्या करता है, आपके नीले रंग की पाइप को नाइट्रो ऑक्साइड के द्वारा खोल देता है, जिससे आप बन जाते हैं हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक प्रूफ, यानी कि आपके जीवन में कभी भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आपको नहीं होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आखिर में एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा जिससे मैं इसको क्लोज करूंगा। यहां आपने देखा कि बचपन से हमारी आदत है, खासतौर पे पंजाब में, यहां मैं रहा हूं कई साल रहा हूं, मीट खाने का, अंडे खाने का, दूध पीने का, कि इसी में ताकत है, और ये सब अगर हम नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं,
आज से दो साल पहले की बात है, मैं एक देश गया, उस देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड में एक जगह है, छोटी सी जगह है सुरिन। हर साल दिसंबर के महीने में वहां पे एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, हाथियों का फेस्टिवल। हाथियों के झुंड आते हैं, बहुत सारे हजारों में आते हैं हर साल, और टूरिस्ट पूरी दुनिया से उन हाथियों को देखने आते हैं। 2015 में जब ऐसा हुआ, नवंबर का महीना, तो तब मुझे गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया उस फेस्टिवल में। तो फेस्टिवल में मैं गया और मैंने देखा कि वहाँ पे हाथी, खूब सारे हाथी चारों तरफ दिखे, और वहाँ पे मुझे मिलाया गया हाथी के डॉक्टर से, डॉक्टर पिटारा, हाथी के डॉक्टर। आदत से मजबूर मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या हाथी को कभी कैंसर होता है? जवाब मिला, नहीं होता। फिर मैंने पूछा, हाथी को डायबिटीज़ तो होती होगी? जवाब आया, वो भी नहीं होती। मैंने कहा, हार्ट की बीमारी तो होती होगी? कहा, नहीं, हाथी में हार्ट की बीमारी भी नहीं पाई गई। फिर मैंने पूछा, हाथी का ब्लड प्रेशर हाई तो होता होगा? कहा, ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जिससे ब्लड प्रेशर हाथी का नापा जाए, लेकिन लगता यह है कि ब्लड प्रेशर भी उनका नॉर्मल ही रहता है। मन में ख्याल आया, जब हाथी बीमार पड़ते ही नहीं है तो हाथी का डॉक्टर रखने की जरूरत भी क्या है। जब मैं ये सोच ही रहा था कि एक अनाउंसमेंट पे मेरा ध्यान गया, वो अनाउंसमेंट कुछ ऐसा था कि कृपया करके हाथी को इंसानी खाना ना दें, हाथी बीमार पड़ जाएंगे। सो बोलने का मतलब है कि एक ही कंडीशन में हाथी बीमार पड़ता है, जब उसको पका के खाना देते हैं, राइट? छोले भटूरे दे देंगे, ब्रेड दे देंगे, दूध पिला देंगे, रोटी दे देंगे, चावल दे देंगे, दैट इज द ओनली कंडीशन जब वो बीमार पड़ता है। फिर मैंने देखा कि पूरी सड़क जो भरी थी थोड़ी देर पहले फल और सब्जी से बिखरे हुए थे, लोगों ने वहां बिछा के रखे थे, हाथी खा खा के उनको खत्म कर दिया। तो हाथी का डाइट क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो दुनिया का, इस प्लेनेट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, उसका जो डाइट है वही तो आपका डाइट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट? सो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि इस डाइट पे आप रहिए 15 दिन। उसके बाद जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग भागते हैं, जो लोग कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना, उनके लिए आसान है, अपना अपना कितना ताकत बढ़ गया, अपनी स्पीड कितनी बढ़ गई, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अभी कितनी स्पीड है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आप हर दिन पिछले दिन से और अच्छे होते जाएंगे और अच्छे होते जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी ठीक हो जाएगी, और अगर आप बीमार नहीं है तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। विद दिस ओनली स्मॉल चेंज, ये थोड़ा सा चेंज करेंगे सो आप देखेंगे कि यू कैन बिकम योर ओन डॉक्टर। अब क्या है कि छोटी सी बात कि मान लो कहीं बुखार हो गया, जैसे आजकल चल रहा है दिल्ली में डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं और दवा लेते हैं, तो उससे किसी भी तरह से बुखार कंट्रोल करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट क्या है? अगले एक साल तक, डेढ़ साल तक उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो सालों सालों तक रहता है। एक और बीमारी आ गई, एक बीमारी खत्म करने गए, एक और बीमारी घर लेके आए। आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ, एक मेथड दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ, ये तरीका अपनाते ही चिकनगुनिया, डेंगू या फीवर ये एकदम कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड और टेम्परेचर एकदम कंट्रोल हो जाएगा। वो ये, अगर ऐसा कुछ होता है, चिकनगुनिया, डेंगू या टेम्परेचर बढ़ता है आपका, तो 3 दिन के लिए प्लेट 2 बंद कर दीजिए, और अगर ऐसा करेंगे, सिर्फ प्लेट 1 और फ्रूट डाइट पर रहेंगे, तो आपका टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है, वो 102 से नीचे ही रहेगा, और 3 दिन के अंदर आप पूरी तरह से डेंगू और चिकनगुनिया से आज़ाद हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर आप उससे भी जल्दी आज़ाद होना चाहते हैं तो एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए कि उस 3 दिन में आपको दिन में कम से कम 5 बार पूरे दिन भर में नारियल पानी भी जोड़ देना है, 5 5 5 15 नारियल पानी। तो वो जो नारियल पानी है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा नेचर का बनाया हुआ मिनरल वाटर है, और वो जो पिएगा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, बढ़ा हुआ टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है, और इंसान के अंदर जो वायरस है एकदम वो उसको मार के बाहर भगाता है। जो एक बार आप ट्राई कीजिए, कोई अगर आपके आसपास ऐसा मिलता है तो उसको जरूर ये मैसेज पहुंचाइए। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस माय टॉक। आपने मौका दिया।